नमस्कार दोस्तों, अभी सुबह सुबह जस्ट मैं अभी उठा था, सुबह का समय है। तो यहाँ पर जो गद्दी भेड़ पालक हैं उन्होंने यहाँ पे डेरा लगाया हुआ है, यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, अभी वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि कितनी इनकी भेड़ बकरियाँ हैं और क्या क्या इनके साथ में है। तो आप वीडियो में देखना, बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये रही इनकी भेड़ बकरियां, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। और एक वो घोड़ी का बच्चा है छोटा जैसा, और बड़ी घोड़ी ये है, और ये जाने की तैयारी में लगे हुए हैं अभी सुबह सुबह। चले जाएंगे अब ये बेचारे पहाड़ों की ओर। गाइस अब ये जा रहे हैं, दोस्तों हाइजीन है, साथ में सोने के लिए यहाँ पे स्लीपिंग बैग लिया हुआ है। अब दोस्तों घोड़ी के ऊपर ये सामान ला देंगे जो इनका है, रात को यहाँ पे सोए हुए थे। अभी सामान लाद रहे हैं घोड़ी के ऊपर। यहाँ पे आग जलाई हुई है दोस्तों, इन्होंने रात में यहाँ पे ही सोए हुए थे, यहाँ पे ही इन्होंने डेरा डाला हुआ था अपना। और ऊपर की साइड की है इनकी भेड़ बकरियाँ, इस घोड़ी का बच्चा है वो ऊपर, और ये रहे सारे बकरे इनके। बस जाने की तैयारी में है। वहाँ पे पानी पीने के लिए बर्तन रखा हुआ है, वो वहाँ पे इनके बिस्तर रहे। अभी दोस्तों मैंने भाई से पूछा तो मैंने बताया हम अलग अलग कर रहे हैं इनको, एक दो घोड़ी के साथ हैं और वो चार अलग और हैं, सारे छह जने हैं।
ये छोटा सा मेल पप्पी है। बाबूजी निकाल रहे हैं। भाई ठंड नहीं लगती रहती, ठंड नहीं लगती रहती। अच्छा तो बर्खा वगैरह हो था। एक की जगह वो होता अच्छा। दोस्तों मैंने भाई से पूछा कि रात में ठंड नहीं लगती है, तो इन्होंने मुझे बताया कि ठंड तो लगती है लेकिन हमने कपड़े लिए होते हैं साथ में, तो अपने आप ही अलग अलग कर रहे हैं। एक ही पप्पी है, छोटा सा मेल डॉग, जो कि बहुत ही सुंदर है। अभी अलग अलग कर रहे हैं, अपनी अपनी भेड़ बकरियों को। और ये रहे इनके बर्तन और बिस्तर। दोस्तों इन्होंने अलग अलग कर लिए हैं, आधी उस साइड आधी उस साइड कर दी हैं और आधी उस साइड। देखिए दोस्तों ये घोड़ी का बच्चा दूध पी रहा है अपनी माँ से, और थोड़ी अलग ही साइड कर दी है इन्होंने। और ये रहा मेल पप्पी स्टॉल। रात शुरू हो रही तो बड़ा तार के लिए हुआ मेरी बल्ला तार के जा रहे हैं कि नहीं हम तो सब कुछ तो बस शुरू हो रही तो बड़ा होना शुरू हो गया।